हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। सेकंड वीडियो में हमने प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमारी थर्ड वीडियो जो थी उसमें हमने ओरिफेरा का के जनरल कैरेक्टर्स को देखा था। फोर्थ वीडियो में हमने पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन देखा था। और अब हम बारी है हमारे जो थर्ड फाइलम है, फाइलम प्लेटेनोथिस की। इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिज्म नोन एज फ्लैट बॉडी। फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिज्म मतलब प्लेटेनोथिस जो फाइलम है, इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी फ्लैट होती है, चपटे आकार के होते हैं, एकदम फ्लैट। तो इस वजह से इनको फ्लैट बॉम भी कहा जाता है। इनकी पहचान है कि इनकी बॉडी फ्लैट होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लैट बॉम आल्सो। फ्लैट बॉम यूज्ड बाय मिनॉट। मिनॉट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने फ्लैट बॉम वर्ड को यूज़ किया था प्लेटिहेलमिंथीज के ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इनकी और जो ये जो नाम रखा गया है ये भी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से रखा गया है। नेम बाय गेगनबोर, और जो नाम ये दिया था वो गेगनबोर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये काफ़ी फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, एकदम स्वतंत्र तरीके से रहते हैं, कोई भी इनको रोक टोक पसंद नहीं है, इस वजह से ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। ट्रिपलोब्लास्टिक। ट्रिपलोब्लास्टिक का मतलब है तीन लेयर वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी होती है वो तीन लेयर वाली होती है, जिसे ट्रिपलोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिपलोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है कि इनमें तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड थर्ड वन इज मीजोडर्म। इसमें एक्टो, एंडो, मीजो तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिपलोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन बॉडी। टिश्यू ऑर्गन बॉडी का मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो टिश्यू ऑर्गन वाली होती है। टिश्यू ऑर्गन से मतलब ऊतक वाली कोटि की होती है, मतलब उनकी बॉडी में टिश्यू ही टिश्यू भरे रहते हैं, तो इस वजह से इनकी बॉडी टिश्यू बॉडी वाली होती है। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है। सिमेट्री मतलब समिति। एसिलोमेटिक। एसिलोमेटिक का मतलब जो सिलोम होता है उसके बेसिस पे ये एसिलोमेटिक होते हैं, मतलब इनमें सिलोम होता भी है और नहीं भी होता, इस वजह से इनको एसिलोमेटिक कहा गया है। सेगमेंटेशन एब्सेंट एक्सेप्ट सेस्टोडा। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ये इसका हो गया सेगमेंट वन, ये हो गया सेगमेंट टू, ये हुआ थ्री और यहाँ पर बन गया सेगमेंट फोर, ये हो गए इसके सेगमेंट्स। मतलब कि ये जो पार्ट बना ये हुआ सेगमेंट। सेगमेंट मतलब कि हिंदी में खंड। ठीक है, तो सेगमेंटेशन एब्सेंट मतलब इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उनमें सेगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, उनकी बॉडी एकदम प्लेन फ्लैट होती है। एक्सेप्ट सेस्टोडा। प्लेटिहेलमिंथीस के क्लासिफिकेशन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक क्लास आती है सेस्टोडा नाम की। इस क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेशन वाले होते हैं, मतलब उनमें ये जो खंड हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। इस वजह से एक्सेप्ट सेस्टोडा मतलब सेस्टोडा को छोड़ के इनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। उसके बाद स्केलेटन एब्सेंट। इनमें कंकाल जो है वो भी एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, हिंदी में बोले तो ज्वाला सेल्स पाई जाती हैं, ज्वाला। ओके, तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन का काम करती हैं।
सेल्स जिनकी वजह से उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन सिस्टम वर्क करता है, उन पर्टिकुलर सेल्स को फ्लेम सेल्स नाम दिया गया है। उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, जो भी होता है वो एक्सटर्नली ही होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। न्यूट्रिशन बाय वाटर स्ट्रीम, इनमें जो पोषण का काम होता है वो वाटर स्ट्रीम करती हैं। वाटर स्ट्रीम मतलब जलधारा, जलधारा की वजह से इनमें पोषण जो है वो ये ले पाते हैं। तो न्यूट्रिशन बाय वाटर स्ट्रीम। फूड इनटेक बाय सिनोसाइट सेल्स, फूड इनटेक मतलब कि भोजन को ग्रहण करने की जो इनकी प्रोसेस है वो सिनोसाइटिक सेल्स की वजह से होती है। ऐसी सेल्स जिनकी वजह से फूड जो है वो ये ऑर्गेनिजम्स ले पाते हैं, उन पर्टिकुलर सेल्स को सिनोसाइटिक सेल कहा गया है। तो ये थे हमारे फाइलम प्लेटेलमेंटीज के जनरल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटेलमेंटीज के क्लासिफिकेशन की, जिसे हम पहले फ्लो चार्ट से देखेंगे और उसके बाद थोड़ा उसकी डिटेल में जाएंगे। सो थैंक यू।